और छोरो के हाल। तो लास्ट ट्रेजर हंट सिमुलेटर का एपिसोड तुम सभी को लिटरली बहुत पसंद आया था, तो वेल इसका पार्ट टू लेकर मैं आ चुका हूँ। एंड वेल भैया, आज के एपिसोड में अपन लोग दबा कर करने वाले हैं माइनिंग, ताकि अपन लोग न्यू वर्ल्ड में जा सके। एंड वेल भैया, वहां जाने के लिए अपने को बहुत सारे रिवर्थ चाहिए होंगे। लेट्स सी अपन वहां जा पाते हैं या नहीं, राइट? बट फिलहाल के लिए आप सभी का कीमती वक्त ज्यादा बर्बाद न करते हुए चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो वेल भैया, जैसा तुम सभी को पता होगा, लास्ट एपिसोड में भैया थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। आखिरी का जो अपना पार्ट था ना वीडियो का, वो थोड़ा सा एरर हो गया था, जिस वजह से वो तुम लोगों को मैं दिखा नहीं पाया था। इवन भैया, मैंने वो चेस्ट ब्रेकिंग वाला सीन तो तुम्हें दिखा दिया था दोबारा रिकॉर्ड करके, बट थोड़ी बहुत चीजें थी जो मैं तुम्हें नहीं दिखा पाया था। लाइक अपन लोगों ने ये ड्रिलर एक्टिवेट कर लिया था, राइट? 45 मिलियन का। मैं एक्चुअली तुम्हें शॉप में इसकी प्राइस वगैरह दिखा देता हूँ, आई गेस मैं नहीं दिखा पाऊंगा शायद, है ना? यस, मैं नहीं दिखा सकता, बट भाई इसकी कीमत थी भैया 45,000 एंड मैंने ये बाय कर लिया। एंड अपने पास अभी भी 23 मिलियन है, सॉरी थाउजेंड बोल रहा हूँ मैं, हाँ 23 मिलियन, हाँ तो मेरे पास ये है अभी भी। एंड मैं अभी चाहूँ तो कुछ बाय कर सकता हूँ, राइट? एंड उसके अलावा ये पता नहीं, ईस्टर बाहर में जान दो। एंड वो ये तुम जैसा देख सकते हो, अब अपना जो अपनी रैंक है ना, वो है अनबिलीवेबल हंटर, जी हाँ। एंड एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि आगे भैया कुछ भी माइनिंग वगैरह का काम स्टार्ट करने से पहले ना अपन लोग रिवर्थ कर लेते हैं, क्योंकि वो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज अपन अगले आइलैंड में जा नहीं पाएंगे, राइट? तो पहले मैं कर लेता हूँ रिवर्थ, एंड आई गेस इससे मेरा पूरा सीन पानी ओके। रिवर्थ के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए एंड थोड़े से कॉइन चाहिए, एंड वो इससे अपनी स्पीड बढ़ेगी, तभी मैं सोचूं इससे क्या होता है। ओके, सो इससे अपने रिवर्थ मिल जाएगा। वेल आई नीड इट, सो या रिवर्थ, ओके। एंड यार पैसे भी रीसेट हो जाएंगे, ये क्या बात है भाई? भाई तो मुझे पता कैसे चलेगा मैंने रिवर्थ कितनी कर ली, यहाँ तो कहीं पे लिख नहीं रही। इवन मैं अभी भी अनबिलीवेबल हंटर हूँ, वाओ वियर्ड, बट ओके सही है। सो फर्स्ट वी नीड पैसा, राइट? तो या कोई गड्ढा देखो, कूदो और पैसे का जुगाड़ करो। मुझे भैया बहुत कुछ पता है इस गेम के बारे में, राइट? सो अब मैं भैया पहले की तरह तो नहीं खेलूंगा, मैं काफी सही खेलूंगा। एंड वेल सामने है अपने एपिक चेस्ट, इसको तोड़ने पर अपने को बहुत माल मसाला मिलेगा। इवन इस बकेट से इसको खोदना बहुत ही ज्यादा दुखदाई होने वाला है, बट वेल क्या कर सकते हैं, अगर पैसा चाहिए तो इसको खोदना ही पड़ेगा, राइट? चलिए एक बात बताऊं, बाहर में जाने दो भैया, मैं ना खोद सकता बाल्टी से इसको, पूरा जमा जन्म लग जाएंगे इसको खोदते खोदते। एंड एक्चुअली स्टोन चेस्ट तो मेरा बाप ना खोद सकता बाल्टियों से, टाइम लगेगा यार, सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत इधर उधर बंदरों की तरह हांड लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज मिल जाएगी, ठीक है? एस्ट्रोनॉट चेस्ट 125, यार एक्चुअली पैसा होता तो माँ कसम इसको भी खोद लेता। ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग हियर, अबे लक्कड़ बग गया, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? साला शकल देखो इसकी, अबे डरावना लग रहा है ये तो, छोड़ो मैं पैंट में मुद दूंगा इससे, सही भगलो यहाँ से। ओ 75, अरे यार एक्चुअली कॉमन चेस्ट पड़ी यार, व्हाट द हेल इज दिस, है जी ठीक है, अपन कॉमन चेस्ट तोड़ लेते हैं, इससे अपने को थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। एक्चुअली यस आई वी गेट इट, सो नाउ अब अपन अपना सबसे पहले फावड़ा इंप्रूव कर लेते हैं, ताकि थोड़े पैसे कर सके अपन, राइट? तो एक्चुअली मैं ये वाला कर लेता हूँ, ये ठीक है, हाँ औकात के हिसाब से अभी के लिए ये ठीक है, हाँ जी। एंड अब चलते हैं अपन और जाकर उनमें से वो एपिक वगैरह चेस्ट वगैरह जो भी थी नीचे, वाह टेलीपोर्ट का नाइस, आई लाइक इट। ओके सो यहाँ पर एक एपिक चेस्ट है जिसको अपन तोड़ लेते हैं, क्योंकि नाउ वी आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है? सो अब मैं कर रहा है कुछ, हेलो हाँ तीन तीन, मतलब ठीक है पहले से तो स्ट्रॉन्ग ही है, तो तोड़ू या ना तोड़ू इसे, वेल एक्चुअली तोड़ देगा जल्दी ही, तो नहीं एक्चुअली रहने दो, ये टाइम लगाएगा बहुत ज़्यादा, एक्चुअली इसको बेचो, या वी हैव वी नीड पैसा बॉयस, वी नीड पैसा, ओके वी आर गरीब राइट नाउ, वेरी वेरी गरीब, ओके सो वी नीड पैसा। अरे पैसा कहाँ से करूँ साला, हालत तो ऐसी हुई पड़ी फकीरों जैसी, कत ही कहाँ से करूँ पैसों का जुगाड़। वेल आई गेस अपने को वो चेस्ट ही तोड़नी पड़ेगी, राइट?
we don't have other options, so yeah, जय माता दी, कर ही लेते हैं इस काम को, राइट? अरे ऊपर एक नॉर्मल चेस्ट पड़ी है, उसको भी तोड़ू क्या? नहीं, एक्चुअली पहले इसी को तोड़ लेते हैं अपन। भैया माँ कसम कह रहा हूँ, ये छोरा मेरे बगल में आ चुका है, अगर इसने ये चेस्ट तो साले तेरे कीड़े पड़ेंगे, मैं कसम से कह रहा हूँ, तेरे एक एक हाथ के कीड़े पड़ेंगे। ये मेरे से नहीं टूट रही, इसको रहने देते हैं और कहीं और चलते हैं। वाली ये जगह बहुत बड़ी है, तो मैं कहीं ना कहीं और जाकर चेस्ट वगैरह का जुगाड़ कर ही लूंगा, मुझे पता है ना। इवन उस छोरे के कीड़े पड़ेंगे, देख लेना तुम लोग। साला गरीब का माल हड़पता है, गरीब की बद्दुआ लगेगी आरामी को, देख लेना तुम लोग। इसको तोड़ने बैठा हूँ मैं, आरामी ऊपर से यमदूत सा ना टपके बस। बाय द वे, अपने को एस्ट्रोनॉट चेस्ट के अंदर से ज्यादा माल मिलेगा, राइट? वेल लेट्स सी। भाई माँ कसम आ गया यमदूत, साले चला जाए यहाँ से, कीड़े पड़ जाएंगे तेरे। भैया माँ कसम, इस साले को ना मैं क्या करूँ यार, पता नहीं साला मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं हर कोई यार। वेल एक्चुअली ऊपर एक चेस्ट थी जो मैंने छोड़ दी, अब मैं कहाँ जाऊँ मैं यार, कसम से इन लोगों ने दिमाग खराब कर रखा है, क्या करूँ यार इन लोगों का मैं। ऐसे तो ये भैया चैन से जिंदगी ना मेरे को, ठीक है? एंड मैं फिर से पत्थरों में आके फंस गया, मेरा यहाँ पे अच्छा पहले ही हालत खराब पड़ी है का। हाँ वेल एक्चुअली यहाँ तो मुझे, ओह एक्चुअली इसको मैं खोद सकता हूँ, और यस आई कैन। भाई नसीब है, लग गया तो लग गया, भग गया साला लेके। हाँ वेल एक्चुअली था तो उसी का माल। ऑलराइट भैया, तो काफी सारे गरीब बच्चों के हक का पैसा मारने के बाद अब मेरे पास 1000 कॉइन हो चुके हैं। तो वेल मैं सोच रहा हूँ कि अब अपने लिए न्यू टूर बाय कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह की गरीबी में मैं ज्यादा देर नहीं रह सकता, राइट? हाँ वे, मेरे टूल की लिटरली स्ट्रेंथ बहुत बर्बाद है, अगर मैं उसके साथ चलता रहूंगा ना, मैं कसम से कह रहा हूँ मैं गरीबी में ही मर लूंगा। एंड मेरे को एक्चुअली माँ कसम, एक तो ये टेलीपोर्ट होता है ना, मेरे को इतना ज्यादा चिड़ होती है ना, क्या बोलूँ यार, कसम से कहते दिमाग का दही हो गया। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक्चुअली मेरे ऊपर बहुत ऊपर है एक्चुअली, बट लेट्स सी के क्या इसके ऊपर तो नहीं है वो, है ना? एंड नोप, नॉट हियर। ओके भैया, एक कसम से कह रहा हूँ, कोई कर्ली चेस्ट मिल जाए मेरे को, मेरा दिन बन लेगा उससे। मेरे को महंगी चेस्ट मांगता है एक, ठीक है, ताकि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। इस तरह की गरीबी में मैं कब तक रहूंगा, मैं तो यूं सोच रहा हूँ। और क्या मैं रिवर्थ कर सकता हूँ अब? ओके, सो रिवर्थ करने के लिए अपने को पैसे, ग्रेट एटॉमिक स्क्रीट, मेरा कसम से भैया इतने सारे मिलियन वगैरह, हाँ कसम है, कभी कभी तो बहुत ही मतलब नफरत हो जाती है खुद से, ब्रदर लेट मी प्लीज हैंडल दिस। वेल हो रहा है कुछ इससे, तू कुछ कर सकता है ब्रोदर? ओके एक काम करते हैं, दोनों से खोते हैं ब्रोदर, सी किसका नसीब अच्छा है ना। भैया माँ कसम, ये चेस्ट अगर मिल गई ना, ब्रोदर सॉरी, बहुत बुरा लगा, कसम से तेरे लिए बहुत बुरा लगा, ठीक है, मैं दिल से तेरे लिए बुरा मानता हूँ, ठीक है, बट सॉरी ब्रोदर, दिस इज बिजनेस, ओके। हाँ मतलब हमको अगर जीतना है तो आपको हारना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट? ओके सो वेल, अभी के लिए मेरे पास 10,000 है, तो मैं पहले कुछ तगड़ा सा बाय कर लेता हूँ। वेल माँ कसम, 7 स्ट्रेंथ है, 8,800 में, बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। ओके सो व्हाट शुड वी डू नाउ, एक्चुअली एक काम कर लेते हैं, ये बाय कर लेते हैं एंड अपने लिए न्यू बैकपैक बाय कर लेते हैं, राइट? हाँ मेरे पास बैकपैक के लिए पैसा है, तो वी शुड, व्हाट द हेल, अच्छा हाँ मैंने सोचा भैया मैं इनको इक्विप कर सकता हूँ दोबारा से। माँ कसम, तन बदन में ज्वाला भभक गई कहते, बट वेल ऐसा वी नीड, वी कांट। एंड एक्चुअली मेरे पास यहाँ पर कुछ डब्बे भी पड़े हैं, पता नहीं कहाँ से आए, बट हाँ मेरे पास पड़े हैं। ओके सो लगे यार इनको भी ओपन कर लेते हैं, क्या पता इनमें कुछ अच्छा अच्छी चीज मिल जाए। टियर 2 हैट क्रेट, वेल एक्चुअली भैया ये चेस्ट खोला खाली का कार्यक्रम अपन 2 मिनट के लिए थाम लेते हैं, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी देर में भैया इस डिगिंग साइट कोलैप्स हो जाएगी, देन अपने को यहाँ पर सिक्के मिलेंगे, राइट? एंड उनसे अपने को पैसा मिलेगा, तो मैं पहले तो फकीरों की तरह वो पैसा कलेक्ट कर लेता हूँ, देन अपन बाकी का काम करते हैं, राइट? भैया कहते सर्टिफाइड फकीरों की तरह ना पैसे लूट रहा था मैं, एंड मेरे को लिटरली 1000 से ज्यादा पैसे नहीं मिले। खैर बाहर में जाने दो, यहाँ जाते हैं एंड मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अपने को क्या क्या मिला है, राइट? सो वी गेट नथिंग, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वे हेलो वी गेट, अरे समथिंग तो मिला था यार, अच्छा ये रहा ना, ओके
ठीक है, सो किसकी स्पीड ज्यादा है, सॉरी किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ये वाला। ओके मैं इसे पहन लेता हूँ। एंड यहाँ पर क्या, ओके सो यहाँ पर अपने को तीन स्किन मिली है। एक्चुअली ये वाली मेरे को थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं ये वाली इक्विप कर लेता हूँ। ठीक है, ओ ग्रेट, दैट्स लुक सिक बॉयस, नाइस। ओके सो मैं यहाँ पर आई गेस मैं सिंगल टैप में माइन कर दूंगा, राइट? अरे माइन तो कर भाई। एंड यप यस आई कैन। ओके वेल, ये कितना कारगर है या नहीं, इसके लिए तो अपने को कोई चेस्ट खोलनी पड़ेगी, राइट? यहाँ कहाँ चेस्ट मिलेगी मेरे को? ओके इसकी स्पीड भैया कसम से बहुत बर्बाद है ना, बट नेवर माइंड, अपन थोड़ा साइड चले जाते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता ये फकीर साले मेरी चेस्ट खोल ले, है ना। हाँ ब्रदर, तेरे काम पे जा रहा, तू हराम घोर मेरे पीछे आ रहा है यार, बताओ मतलब, मुझे पता है ये फकीर है साला, ये लूटेगा मुझे। ग्रेट, क्या करे यार, इन लोगों का मेरे लिटरली समझ में नहीं आता यार सीन पारी। वेल जो भी हो, मैं यहाँ जाता हूँ और फर्स्ट ट्राई बॉयज, ठीक है नॉर्मल तो नॉर्मल सही, इसमें भी थोड़ा पैसा मिलेगा, है ना। हाँ एंड अपने को इसी तरह लगे रहना है और काफी सारे गड्ढे करने हैं और चेस्ट खोलनी है, बट मिले तो ना, वही तो बात है, चेस्ट कहाँ है यहाँ पर। ओके फाइनली एक रेयर चेस्ट मिली जिसके अंदर से 1200 मिले हैं। वेल ठीक है, नॉट बैड नॉट गुड, बट आई नीड समथिंग मोर खतरनाक, ओके या वेरी वेरी खतरनाक, क्योंकि मेरे को अपनी स्पीड और अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए बहुत सारा। ओके एंड मैं सोच रहा हूँ, खुश हो गया था मैं एक सेकेंड को, ठीक है ये नहीं चाहिए मेरे को, ये लिटरली मेरे को नहीं चाहिए, ये कबाड़ है एक्चुअली, है ना। ओके समथिंग एल्स, मुझे पता है गाइस तुम लोग मुझे दिखा सकते हो कुछ और, है ना, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके ओके ओ बॉय, सिंगल हिट आई कैन गेट इट, दैट्स गुड, या दैट्स एक्चुअली गुड, है ना। 700 प्लस अपनी वो है, तो अपने को बहुत फायदा मिल रहा है इससे, ठीक है मेरे को इसी तरह करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर या सेल वेल करने का कोई सीन नहीं बनता। ओके इसी तरह से ना फकीरों की तरह खोदते रहो और या दैट्स व्हाट आई टॉकिंग अबाउट, इवन ये रेयर है बट ठीक है, कुछ और सही है ना। वेल दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके एपिक चेस्ट जिसके अंदर अपने को 4000, भैया कसम से, आर यू गाइस किडिंग मी, अरे कुछ ढंग का दो, लाइक जैकपॉट चेस्ट। हाँ तुम्हें पता हो ना हो तो बता दूं, इस गेम की सबसे रेयरेस्ट चेस्ट होती है जैकपॉट चेस्ट, ओके एंड उसको माइन करने पे तुम्हें पता नहीं जाने कितने ही पैसे मिल जाते हैं, लिटरली बहुत सारे, दैट व्हाट आई वांट। ओके वेल अभी अपने को और भी नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ही रेयर अपने को ट्रेजर मिलेगा। ओके एंड एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कहीं और जाता हूँ किसी, वेल एपिक चेस्ट है तो ले लेते हैं, वेल एक्चुअली इसके अंदर से मिलेंगे 4-5 हज़ार, बट ठीक है भैया इसी स्पीड से लगे रहेंगे ना, मैं कसम से कह रहा हूँ, अगले जन्म तक ना हो रहा अपना काम, तो भैया अगर अगले 1-2 मिनट में मेरे को कुछ तगड़ा नहीं मिला ना, मैं ऊपर जा रहा हूँ वापस, और मैं किसी और के गड्ढे में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा अपन ज़्यादा कुछ अच्छा गेन कर पाएंगे, राइट? और अपने को खोदने में भी टाइम लग रहा है, और एक्चुअली अपने को एक और एस्ट्रोनॉट चेस्ट मिल गई, वेल ठीक है एक्चुअली इसको बेच देते हैं एंड यहाँ जाते हैं, और एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ एक न्यू फावड़ा बाय कर लेते हैं, क्योंकि भी है पैसा। ओके बॉयस, या भी है पैसा, सो ये बर्बाद है, ये नहीं लूंगा मैं, एंड इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, सो आई विल नॉट बाय दिस ऑल्सो, बट वेल एक्चुअली मैं अपने लिए बैकपैक बाय कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस बैग, अरे एक्चुअली यार फावड़ा ही बाय करने दो ना, या फावड़ा बाय करते हैं एक्चुअली, है ना, वो ज़्यादा एफिशिएंस रहेगा। ओके सो आई वॉन्ट दिस, या वो भाई कसम से कह रहा हूँ वो ब्लो ड्रायर है ना, मेरा दिमाग ड्राई कर देगा, या मैं वो ब्लो ड्रायर तो भैया किसी कीमत पे नहीं लेने वाला। एंड डोंट टेल मी ये वही जगह है जहाँ मैंने माइन किया था अभी थोड़ी देर पहले, ये ऐसी वही जगह है, बहुत अच्छे, या एब्सोल्युटली स्टनिंग कतई, या वेयर आई एम राइट नाउ। ओके सो व्हाट आर यू डूइंग ब्रदर, अबे चेस्ट पड़ी है, अच्छा ले ली, ओ वाओ, तभी मैं सोचूं ना भैया मेरे से बड़ा फकीर है साला, ये ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। हाँ दैट व्हाट आई वांट, लेट मी गेट, एक्चुअली मैं ले सकता हूँ इसको, या भाई बन गया काम, इसी तरह के ट्रेजर की तो हमको जरूरत थी बॉयज, दैट्स इट,
बन गया काम। सो आई गेस मैं रिवर्त कर सकता हूँ राइट। यस वी कैन, यस वी कैन, ओके ग्रेट। नाउ अगेन इस बाल्टी के साथ मम्मी मेरे को ये नहीं करना यार, इससे दिमाग नहीं क्या यार, मेरे को दोबारा इस बकेट के साथ ही खेलना पड़ेगा। हाँ वेल वेल वेल, ये लिटरली दिमाग का दही कर देगा ठीक है। बट वेल आई गेस मेरे को डरने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि अपने पास वो मिथिकल टोपी है शायद, है ना कुछ ऐसा। तो अरे वॉट भाई साहब, इतना मतलब लकी बंदा दुनिया में पैदा हुआ है कि कोई भाई साहब दैट्स एक्चुअली स्टनिंग वॉइस, मतलब भाई बैक टू बैक दो डाइस टेस्ट भैया, आते ही तीसरी रिवर्थ लग गई है अपनी। एंड हाउ मेनी रिवर्थ और करनी है मेरे को। हाँ अबे अच्छा यार लिख रहा है ना कि कितनी रिवर्थ कर चुके हैं अपन। ओके ग्रेट, सो व्हाट आई एम स्टिल हियर। ओह व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, अबे क्या है ये भाई, इतना नसीबदार बंदा हो सकता है कि कोई मतलब बैक टू बैक दो डाइस टेस्ट। एंड एक्चुअली मैं इसको भी क्लियर कर सकता हूँ, यस आई कैन, आई कैन फोर रिवर्थ। भाई कसम से इस स्पीड में लगा रहूंगा ना मैं, आप भी हो जाएंगी मेरी थोड़ी बहुत देर में काफी सारी रिवर्थ। ओके एंड एक्चुअली यहाँ मेरे को डाइस टेस्ट मिली है तो मेरे अंदर लालच जग गया है, तो मैं यहीं पे अपना काम धंधा जारी रखूंगा। भाई कसम से कह रहा हूँ मेरे पास मतलब शब्द नहीं है क्या बोलू मैं, बैक टू बैक तीन मतलब What the hell यार। अच्छा पैसा नहीं है। ओह अच्छा आई अंडरस्टैंड, ओके ठीक है, नॉट अ बिग डील बॉयज, नॉट अ बिग डील। ओके या वी कैन गेट मनी आराम से, या वी डोंट नीड टू डू हार्ड वर्क। ओके इस तरह तो भैया थोड़ी ही देर में मैं काफी सारी रिवर्थ कर लूंगा। बॉय ओ बॉय लिटरली मतलब भाई What the hell, boys, what the hell? क्या चल रहा है इस दुनिया में है? अच्छा वहां पर एक स्टोन चेस्ट है राइट, तो मैं इसको रिवर्थ कर देता हूं। एंड यप वी हैव नाउ एक्सेस एंड वी कैन ब्रेक दिस ऑल्सो। भाई कसम से कह रहा हूं आज मतलब है ना लक मतलब नेक्स्ट लेवल है अपने पास, मतलब भाई मैं कसम से कह रहा हूं मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या मतलब भाई कसम से मेरे पास शब्द नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। बैक टू बैक मेरे को भैया चार पांच है ना डाइस चेस्ट मिल गई, मतलब भाई लकी नेक्स्ट लेवल का है तुम्हारा भाई का आज ठीक है। सोल अगर मैं इसी तरह लगा रहूंगा तो मुझे थोड़ी ही देर मतलब या मैं काफी जल्दी काम कर लूंगा अपना, और हो सकता है मैं आज, अरे एक मिनट अच्छा मैंने सोचा कुछ है उधर, ओके नेवर माइंड। सो वेल अगर मैं इसी स्पीड में लगा रहूंगा तो मैं थोड़ी ही देर में काफी सारे रिवर्थ कर लूंगा। ओके यस वी कैन बॉयज वी कैन, ओ हराम के पिल्ले अगर ये छूट गए ना आज से तेरे फेफड़ों में आग लगा दूंगा मैं साले, जाने दे ब्रदर जाने दे मुझे, हराम के पिल्ले जान दे मेरे को, तुझ पे ना टूट रही तो भाड़ में जाना, मुझे तो तोड़ने दे मतलब व्हाई व्हाई। आओ ग्रेट अब वो मेरे रेंज में, साले नरक नसीब नहीं होगा तेरे को, कुत्ते की मौत मरेगा कुत्ते भाग, मतलब यार क्या यार कसम से मतलब वेल ठीक है यार अब वो मतलब ठीक है, मतलब काफी देर से लकी लकी बन रहे हैं तो थोड़ा अनलकी भी सही है ना यार, नेवर माइंड। एक डाइस चेस्ट हाथ से गई वन तो, बट ओ ब्रदर आप इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, हाँ रुको मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, हाँ मैं बहुत ही मतलब हेल्प करने वालों इंसानों में से हूँ, मैं ऐसे मत देख ब्रो था मतलब तो, हाँ मैं भी इंसान हूँ, मेरे को मेरा भी काम होता है भाई, छोरा नाराज हो के बग गया यार, ये थोड़ी होता है भाई, हद दे बताओ। ओके ब्रदर आजा कॉमन चेस्टर ले जाए यहाँ से, सॉरी वो भी नहीं है, हाँ मतलब कोई ले गया, मतलब तुम लोग इसको क्या कहोगे भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ ना आज तुम्हारे भाई का लक है ना कतई मतलब आसमान फाड़ के आ रहा है, मतलब भाई कतई नेक्स्ट लेवल। ओके एंड वेल अब अपने पास बहुत सारा पैसा हो चुका है, सो आई डोंट थिंक मेरे पास इतना काफी है, मेरे को और करना होगा आई गेस है ना, मेरा नसीब है ना कतई नेक्स्ट लेवल पे,
भाई मतलब बैक टू बैक इतनी सारी चेस्ट मिली ना मेरे को, एंड उसके बाद भैया मेरे को और भी काफी सारी खतरनाक खतरनाक चेस्ट मिली। एंड वेल भैया अब अपनी कुल टोटल रिवर्ड हो चुकी है 13। एंड वेल मैंने बहुत लिटरली आज की वीडियो में तो इतनी मेहनत कर दी ना भाई, लिटरली मैं नहीं जान, मैं बता नहीं सकता आज भैया कितना करा है मैंने। तो मतलब इसी से आइडिया लगा लो भैया, आज देखो जरा इतनी सी देर में 13 रिवर्थ कर ली मैंने। आज मेरा नसीब भैया कतई नेक्स्ट लेवल पे है। एंड वेल अब मैं और भी करूंगा, बट मुझे पता है भैया आप जो रिवर्थ होने वाली है ना वो बहुत महंगी होंगी, 23 मिलियन। इवन ये वाली भी 21 मिलियन की थी, बट या बहुत नहीं ज्यादा पता नहीं चली, बट अब भैया मेरे को ना 23 मिलियन करने। ग्रेट, अब पैसा करो जुगाड़, बस कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे आई डोंट नो, बट या इसी तरह मैं दूसरों की बनाई हुई केव्स के अंदर जा रहा हूँ और वहां जाकर चेस्ट हंटिंग कर रहा हूँ। ये थोड़ी तगड़ी जगह है क्योंकि यहाँ की सैंड खोदने में भैया 1500 XP वो चाहिए पावर, मेरे पास उतनी ना है, या इवन मेरे पास 700+ है, बट एलिवेट नेवर माइंड। ओके ओ एक्चुअली ऊपर कुछ देखा मैंने, बट वो तो बहुत ही ऊपर है, आ रहे दो कोई ना, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो मैं इधर ही उधर ही कहीं मुंह मार मोरा के कर लूंगा जुगाड़। अरे एक चेस्ट ऊपर, एक डाइस चेस्ट दिखी मैंने या, बट वेल देखी कहाँ थी मैं ये भूल गया। ओ ग्रेट, अब का नाइस, अब ढूंढने बैठो यार कसम। ओ वेल व्हाट्स अप ब्रदर, स्टोन चेस्ट, वेल व्हाई नॉट, हम इसको अवश्य लेंगे है ना। एंड इससे मेरे को मिलेंगे ओके 1 मिलियन, ठीक है, नॉट बैड और नॉट गुड। या भाई मतलब अभी मेरे को ये देखो एक और डाइस चेस्ट गई हाथों से भाई कसम से ऐसा मत करो रे, हार्ट फेल हो रहा है। अरे नहीं गलत जगह पे आ गया, एक्चुअली इधर नहीं थी वो उधर थी, पता नहीं मैं कहाँ जाके मार रहा हूँ आज भाई। 3-4 चेस्ट गई मेरे हाथों से, कसम से कह रहा हूँ मेरे को ना। एक्चुअली मैं अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहा। ओह नाइस, दैट्स इट व्हाट आई वांट। ओके हाँ, सो इससे अपने को मिलेंगे भाई आर यू किडिंग मी और व्हाट 55 मिलियन भाई, लिटरली इतना मेरे को रेम्बो चेस्ट से नहीं मिला था, उससे भी अपने को 45 मिलियन मिले थे। वेल आज भैया नसीब है ना कुछ और ही लेवल का अपना, ठीक है 40 रिवर्थ बॉय ओ बॉय, आज भैया लिटरली कह रहा हूँ नसीब है ना कभी नेक्स्ट लेवल है। एंड वेल मैं अब सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत अपग्रेडिंग वगैरह कर ली जाए, किस कब तक भैया इस फकीरों की तरह मैं माइनिंग करता रहूंगा। हाँ हाँ वो ठीक है, मैं चेस्ट हंटिंग कर रहा हूँ, बट कब तक, नहीं आखिर कब तक है ना, कब तक मतलब वही है ना, कब तक करूंगा ऐसा मैं। वेल एक्चुअली मैं जब तक करूंगा जब तक मेरा मन नहीं भरेगा, ठीक है। या आई लाइक इट, आई लिटरली लाइक दिस। ओके चेस्ट हंटिंग, ओके आराम से ओके यहाँ पे ग्रेनेडबाजी हो रही है, हराम खोर मेरे ऊपर मत फोड़, ठीक है यहीं कहीं पे रेम्बो चेस्ट है मुझे पता है, मैं आराम से जाऊंगा रेमोनी सोल्ड चेस्ट। या ओके मेरे को बिल्कुल कतई शालीनता से जाना है, मैं बिल्कुल भी है ना फकीरपंती नहीं करूंगा, आराम से। ओके ऊपर एक रेमबो चेस्ट है जिसको तोड़ने में मेरे पूर्वजों की याद आ जाएगी मेरे को। इधर एक एटलांटिस चेस्ट है, इसको तोड़ लेते हैं, जिसके अंदर से अपने को वेल नॉट बैड एक्चुअली 77,000 वेल ठीक है नॉट बैड। ओके सो दिस इज रेयर चेस्ट, खोल लेते हैं वेल एक्चुअली या 4-5 हज़ार मिलेंगे, बट खोल लो मेरे को मांगता है भैया। हाँ यार दोबारा यहाँ नहीं है मेरे को ये जगह भाई याद है, बट एक्चुअली यहाँ पर एक स्नो चेस्ट है। वेल ओके इसको खोल लेते हैं, इवन ये 2000 में खुलेगी, बट आई डोंट केयर। ओके मैं स्ट्रांग हूँ और जब तक मैं स्ट्रांग हूँ आई लिटरली डोंट केयर। ओ भाई साहब 6 मिलियन और अभी मैं इसको खोने जा रहा था। वेल मैं हूँ थोड़ा सा वे होता एक्चुअली है ना। यस भाई मेरे को लिटरली यकीन नहीं हो रहा मेरे ऊपर आज, मेरा नसीब भाई किस लेवल का है भाई। आज मेरे को लिटरली इतनी सारी डाइस चेस्ट मिली है ना, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल, कतई नेक्स्ट लेवल, लेजेंडरी चेस्ट। ओके वेल एक्चुअली उसके अंदर से ज्यादा मिला नहीं, बट ये क्या मजाक है मम्मी मैं बहुत आगे पहुंच गया था यार,
चलो ठीक है, नेवर माइंड, यहाँ पे फकीरों की तरह पैसा बीन लेते हैं। कहाँ जा रहा है अपना? ठीक है, इवन मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बट वाई नॉट फकीरों की तरह चिल्लर बीनने में अलग ही मजा आता है बॉयस। ओके हाँ, पैसा दो ना। ओके आने लग गया है, ठीक है। ओके नाइस नाइस। वेल एक्चुअली मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये? वेल गाइस इग्नोर इट, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाबड़ा हूँ। ओके एंड वेल, अगली रिबर्थ के लिए अपने को 26 मिलियन चाहिए एंड मेरे पास एक्चुअली 20 मिलियन ऑलरेडी है, ठीक है। बट वेल एक्चुअली इस बकेट से मैं बोर हो चुका हूँ, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा तगड़ा वाला टूल ले लूँ, ताकि मेरी ये माइनिंग वगैरह थोड़ी स्पीड अप हो जाए। ग्रेनेड, बड़ा फाबड़ा। एक्चुअली ये ठीक है ना? नहीं यार, एक्चुअली अगर साइड में हुआ तो कैसे लूंगा? वेल एक्चुअली यही ले लेते हैं, ये ज्यादा ठीक है। हाँ सस्ता ही है, 2,50,000। वेल हाँ, हमारे जैसे रईस बंदों के लिए बहुत सस्ता है, और वो आराम के पिल्ले न्यूक्लियर फेंक रहे हैं यहाँ पर। सारों ने गड्ढा बना के रख दिया पूरी जगहों पे, और फिर कोई लोग कहते हैं कि सरकार गड्ढे नहीं भरती। वाओ व्हाट द हेल। और इसकी स्पीड अच्छी है, या इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, आई लाइक इट। वेल ठीक है, अभी के लिए जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है सब ले लो, क्योंकि वी आर फकीर, वी नीड बहुत सारा पैसा। ओ ग्रेट, हाँ स्टोन चेस्ट से अपने को अच्छा पैसा मिल जाता है, ठीक है। हाँ और रे बॉयस, अरे क्या कर रहा है एटॉमिक्स? ओके ठीक है, एक और डाइस चेस्ट लो, बन गया काम। भाई मैं कह रहा हूँ ना, आज तुम्हारे भाई का नसीब कतई नेक्स्ट लेवल पे है, कतई अद्भुत लेवल। ओके सो व्हाट, हाँ मैं भूल गया था मैं ऊपर नहीं जाता। ग्रेट, अब यहाँ पर खोदो। यार इसकी स्पीड बहुत बेकार है, मैं कसम से कह रहा हूँ, इसकी स्पीड मेरे को बहुत बुरी लगी। बट ठीक है, करो पैसा और अपने लिए न्यू फावड़ा वगैरह। एक्चुअली नहीं, अब नहीं ले सकता, मैंने रिवर्थ कर लिया। बॉय ओ बॉय, दैट्स व्हाट आई वांट। ओके जी हाँ, वेल यही है गाइस प्रोनेस तरीका गेम को खेलने का, ठीक है। मतलब बैक फुल हो जाए तब भी फकीरों की तरह लगे रहो, कछु तो मिलेगा। ओपीओ सा है। ओके 25 मिलियन मिल चुके हैं मेरे को, मोर 4 मिलियन की आवश्यकता है। वेल वो तो अभी मिल जाएंगे थोड़ी ही देर में। ओके बस इसी तरह खोदते रहो, कहीं ना कहीं कुछ तो खतरनाक मिलेगा। ओके देन अप, मैं क्या बोला था बॉयज, ठीक है। दैट्स इट। ओके सो वी हैव 45 मिलियन एंड वेल एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ आज, वेट शुड वी और नॉट, वेल देखो पैसा तो और मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक्चुअली ये सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं, इस बार अपन नीचे चल के देखते हैं, जितना जा सकते हैं उतना, क्या पता वहां पर और भी लेजेंडरी चेस्ट मिले अपने को, राइट। हाँ सो मैं एक्चुअली, अरे बहुत पैसा है, महंगा माल दो मेरे को, आई एम रईस टू मच। ओके ओके नॉट दिस, चिजल नहीं ले सकते, वेल नॉट गुड एक्चुअली, डायनामाइट लू ना एक्चुअली, रहने दो। इसकी कीमत है 3 मिलियन राइट, बट ये यार सही से जाता नहीं है एक्चुअली, इसको रहने देते। ओके सोने का चम्मच 10 मिलियन का है, और ये फावड़े 22 मिलियन के हैं। वेल एक्चुअली ये ले लूँ, हाँ ये ठीक है एक्चुअली, ये ले लेते हैं। एंड बैग का तो मैं क्या ही करूँगा, ना रहन दो, बैग का तो मैं क्या ही करूँगा, छोड़ो बैग, बैग को रहन दो और ऐसे ही चलते हैं। मैं एक्चुअली यार बैग कर ही लेते हैं, हाँ यार बार बार दिक्कत आएगी वरना। जी हाँ वाई नॉट, जब पैसा है तो कर लेते हैं, ठीक है। मैं बड़ा बैग ले लेता हूँ, ताकि मेरे को बार बार पैसों के लिए फकीरपंती ना करनी पड़े। एक्चुअली मैं थोड़े बहुत पैसे और कर लेता हूँ, एंड मैं 20 मिलियन वाले ही करूँगा। और इसकी आवाज़ माँ कसम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, या बहुत ज़्यादा, कैन नेवर माइंड, ठीक है। अरे एक्चुअली मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ भाई, मैं भाव रहा हूँ क्या? ऑलरेडी गड्ढे बने हुए ना बॉयज, इन्हीं में चलते हैं। वेल अगर मैं अब इसको माइन करूंगा तो ये कितना टाइम लेगा? हाँ वेल नॉट दैट फास्ट, बट एक्चुअली अगर मैं लगा रहा हूं तो काफी थोड़ी देर में हो जाएगा। बट एक्चुअली रहने दो रे, कौन इसमें मूड फोड़ेगा यार, लेजेंडरी बंदा है तू, हैं लेजेंडरी है तू, अनबिलीवेबल बंदा हूं मैं भैया। माइनिंग करते करते पाताल भैरवी में पहुंच गया, एंड वेल जैसा तुम मेरा पैसा देख सकते हो 79 मिलियन। भाई कसम से कह रहा हूँ बहुत माल मिला है मेरे को यहाँ पर, एंड यहाँ पर माइनिंग करना लिटरली इतना इजी है ना भैया, तुम एक बार बस पैसा कर लो और स्ट्रेट डाउन डिगिंग करो, कसम से कह रहा हूँ इतना पैसा मिल जाता है ना, तुम सोच भी ना सकते। एंड वाला मेरे पास बैल पैसा हो चुका है, रिवर्थ कर लेते हैं, क्योंकि
वी नीड इट ओके एंड वेल कसम से कह रहा हूं, मैं तो यो सोच रहा हूं कि इतने समय मेरे प्राण कट गए भैया 15 रिवर्थ करने में, तो बॉय आगे कैसे जाऊंगा मैं, ब्रदर लेट मी गो प्लीज, ब्रो प्लीज लेट मी गो। हाँ ये ट्राइडेंट वाली चेस्ट मेरे को, अरे हराम के पिल्ले जान दे, इस बंदे की मेरे से कोई अलग ही फैंटेसी है, मैं बता रहा हूँ साले, ये तो ले वो तो ले लें दे हराम के पिल्ले कम से कम, सॉरी ब्रदर लेट मी टेक दिस, आई नीड पैसा ओके 40 मिलियन वाओ दैट्स गुड एक्चुअली बे, भाई जितना नीचे जाओ कसम से कह रहा हूँ नॉर्मल चेस्ट में भी ना उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, मैं कितना सा नीचे आया हूँ और भैया इतने से, अब तुम इसी को देख लो स्टोन चेस्ट ओके, इसको तोड़ूंगा इसके अंदर से देखो कितना माल मिलेगा मेरे को 2 मिलियन और ऊपर जो होती है ना स्टोन चेस्ट उसके अंदर से 2-3 लाख मिलते हैं बस, मैं कसम से कह रहा हूँ भैया जितना नीचे जाओगे ना उतना हैवी माल मिलेगा तुम्हें बॉय ओ बॉय। अच्छा कॉमन चेस्ट खोल के देखते हैं एक बार एक्चुअली, हरामी रुक जा क्या कर रहा है भाई, सो भाई कॉमन नहीं है नॉर्मल ही मिला है जितना मिलता है उतना, आउच ओके एपिक चेस्ट खोल के देख लेते हैं एक बार, हाँ हुआ बहुत फर्क हुआ ठीक है बहुत ज़्यादा हुआ है ओके एंड अब मैं रिवर्ट करूँगा 35 पे, आओ ये करते करते मैं पाव रहा लूँगा भैया कसम से बता रहा हूँ बाल्टियों से ना मतलब खुदाई करने में हालत खराब हो जाती है, बट जो भी हो ओ नाइस भैया अच्छा पैसा मिला है, अब एक्चुअली भाड़ में जाओ यार मेरा मूड ऑफ हो चुका है अब ठीक है, हाँ तुम सोच नहीं सकते उतनी माइनिंग और उतनी खुदाई की है आज की वीडियो में, एंड एक्चुअली मेरे को देखने तो भैया अगले वर्ल्ड में जाने के लिए अपने को इधर नहीं आना मेरे को ठीक है, हाँ तो अगले वर्ल्ड में जाने के लिए अपने को कितनी रिवर्थ चाहिए ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो अपना अगला वर्ल्ड है वो है मिडिएवल आई गेस सो है ना ब्रो, डू यू थिंक सो है ना 100 आई डोंट थिंक ये है वो ना आई रियली डोंट थिंक ये है वो ठीक है, मैंने एक वर्ल्ड देखा था जो सिर्फ 75 रिवर्थ में मेरे को एंट्री दे रहा था, वो कौन सा था ये रहा हाँ डोमिनोस लैंड, तो यहाँ पर अपने को सिर्फ 75 रिवर्थ चाहिए देन अपन इसके अंदर जा सकते हैं, या वी कैन गो इनसाइड दिस ओके, एंड अगर यहाँ पर डाइस चेस्ट मिलेगी दबाकर कॉमन की कैटेगरी में कतई भाई साहब, अगले एपिसोड में अपन शायद इसको अनलॉक कर लेंगे ठीक है, बट वेल आज के लिए बस इतना ही, वेल उम्मीद है तुम सभी को आज के एपिसोड में मजा आया होगा, आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले, एंड मिलते हैं जल्दी को और न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट।